मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें ईशा 10 साल की बच्ची है, दोनों अपने ये अपने फादर के साथ जूस पीने जाती है। अब दो तरीके के गिलास रख रखे हैं जूस वाले ने। एक गिलास ऐसा है जिसमें ना नीचे से अर्ध गोलाकार कट है बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इतना उसका आना था ना कैपेसिटी, उसकी उतनी कम हो गई। ये देखिए नीचे से इसने इस तरीके से कट कर रखा है ग्लास को, गोलाकार अर्ध गोलाकार। और ये दूसरा ग्लास है, इसमें इसने शंकु के आकार का कट दे रखा है ग्लास में। देखने में शायद सुंदर लगता होगा, लेकिन इसकी वजह से पता है क्या होता है, इसमें जितना वॉल्यूम होता है, जितना जूस आना होता है ना, अगर ये पूरा बेलन होता तो ज़्यादा जूस आता, लेकिन इसने नीचे से ग्लास को कट करके शेप दे दी, यहाँ पे अर्ध गोलाकार काट दिया, यहाँ पे कोनिकल। तो हमें बताना है कि किसने कितना ज़्यादा जूस पिया, कितना ज़्यादा। तो पहले हम डिटेल लिख देते हैं बेटा, दोनों ही उसमें ग्लासेस में त्रिज्या 3 दे रखी है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या भी 3 हो गई अर्धगोले की। और इसमें जब आप करेंगे तो जो नीचे शंकु बन रहा है, शंकु की हाइट उसने बोली है 1.5 cm, तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, किसको ज़्यादा जूस मिला और कितना। उत्तर पाई में दीजिए, यानी कि पाई को आपने सॉल्व नहीं करना है, 22/7 नहीं लिखना है, उसकी जगह पाई को पाई ही रहने देना है। तो पहले फर्स्ट ग्लास का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 ग्लास, जितना जूस पिया उसका मतलब उसका वॉल्यूम है, उसका आयतन है। तो इसका आयतन कैसे बनेगा, सिलेंडर का आयतन घटा ये अर्धगोले का, है ना, ये हमें घटाना पड़ेगा बेटा, इसकी वजह से इसका आयतन कम हो गया। सिलेंडर मतलब बेलन और ये अर्धगोला, फॉर्मूले रखेंगे ध्यान से, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, अंदर बचा एच घटा 2/3 आर। अब पाई को तो सॉल्व नहीं करना, आर की जगह 3 रख दिया, एच की जगह 10, 2/3, और आर की जगह जब 3 रखा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये बन गया 9 पाई, और अंदर 10 घटा 2 8, यानी कि 72 पाई आ गया इस पहले ग्लास में। तो ठीक है, अब सेकंड का चेक करते हैं, सेकंड का कैसे निकलेगा, इसके बाद हमें कोण को माइनस करना पड़ेगा। तो ये पाई आर स्क्वायर एच घटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगेन, एच 1, इसकी हाइट 1.5 है ना, तो ये देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच घटा 1/3 एच 1, 3 रखा 1/3 एच 1 क्या है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 रखना है आपकी बार हमें यहाँ पे। तो 3 से ये काटा 0.5 आ गया, 10 में से 0.5 को माइनस किया 9.5, और आंसर आ गया 85.5 पाई, और पीछे क्या आ रहा था 72 पाई। तो इसके फादर ने इसका मतलब ज़्यादा जूस पिया, और कितना ज़्यादा पिया इसको घटा के निकाल लेंगे, आंसर पाई में ही आएगा 13.55 पाई cm³, इतना ज़्यादा जूस पिया उन्होंने। सेकेंड है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। तो बेटा आपको पता है जैसे आयतन में वो चीज़ कम हो जाती है, लेकिन जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम किनारे देखते हैं। अब की बार जो ये हमारा एक कट किनारा मिला ना, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें 2π बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ोगे आप, और अर्धगोले का इस वाले गिलास में। तो ये कैसे मिलेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से, ऊपर से खुला है ग्लास इसलिए ऊपर का नहीं लगाना है। 2πrh प्लस 2πr² अर्धगोले का क्या होता है 2πr², 2πr कॉमन। अब की बार पाई के लिए कोई कंडीशन उसने नहीं कहा है, तो हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। सारा कुछ सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 245.14 cm². अब सेकंड में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमें कोण को ऐड करना पड़ेगा, कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है वो। तो इसका मतलब तो यहाँ पे हमें एल निकालना पड़ेगा। अब एल कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या आर है और हाइट 1.5 है, तो एल का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से वैल्यूज रख देंगे, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 प्लस 9 इक्वल टू 11.25, जो कि उसने 3.4 ऑलरेडी देखो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में।
देखो इसे पता था ना कि ये हमारे पास आएगी टर्म, इसलिए ऑलरेडी इसको कहा है इसने कि सॉल्व करके 3.4 लिख देना है इसको। तो अब हमने एल भी निकाल लिया, अब हम अपने वापस इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे। पाई आर इज कॉमन, अंदर बचा 2h प्लस एल, आर की जगह 3 रख दिया, एच क्योंकि सिलेंडर की हाइट है 10 रख दिया, और यहाँ 3.4 सॉल्व करके आपके पास आ गया। डिवाइडेड बाय 7 करना है इसे, 220.63 cm स्क्वायर। तो आप देखिए बेटा कि यहाँ पे इसका 220.63 आ रहा है और यहाँ पे 245.14 cm क्यूब आ रहा है, जबकि इसका आयतन ज़्यादा था है ना, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल इससे इसका कम है इस दूसरे ग्लास का। तो दैट्स ऑल बेटा।